कमलनाथ सरकार में जहां विपक्षी दल भाजपा द्वारा सरकार में रहकर किए गए घोटालों एवं भ्रष्टाचारों की जांच कार्रवाई का दौर जारी है, परंतु अधिकारी भाजपाइयों को संरक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इंदौर जिला पंचायत और कलेक्टर के पास जिले के ग्राम डांसरी निवासी मानसिंह नकुम ने लिखित शिकायत की है कि शहर को गांव से जोड़ने के लिए जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसमें सरपंच भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरपंच के इस भ्रष्टाचार में स्थानीय स्तर पर अधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्रों का कार्य देख रहे हैं, वे भी बराबर के भागीदार है। सड़क निर्माण के कार्यों में ऐसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि कहीं रेती मिलाई ही नहीं जाती है तो कहीं दिखावे के लिए रेती का इस्तेमाल होता है। जनपद से होनी थी लेकिन इसमें हमने निर्देशित किया है, ईआरएस जो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनको खुद ही बोला है कि स्वयं एक बार भौतिक सत्यापन करें, किसी और से ना करवा के वो खुद सैंपल लेके और उसकी फिर स्वयं जांच करवा के उसका प्रतिवेदन। हमारे ग्राम पंचायत कुहान के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नारायण सिंह राठौड़, कई एक बार पहले भी पूर्व में भी सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बने, जो हमने उनको रोका भी सही कि आप भी जो शेड्यूल है शासन का उसमें क्या गिट्टी लगती है, रेती लगती है, तो इस पार्ट पे हमने कई बार जाके मौका मायना का देखा भी सही, चार आदमी गांव में कुछ बोला भी सही, तो देखा तो वहाँ पे मतलब बगैर रेती से सीमेंट कॉन्क्रीट वो किया गया। इसके पूर्व भी हमने कई एक बार बोला उनको, फिर भी नहीं माने। दो तारीख को जब सीमेंट कॉन्क्रीट काम चल रहा था तो हमने सीओ मैडम को फ़ोन करा, इसके बाद उन्होंने इंजीनियर साहब को बोला राजन सिंह जी, और कुछ पांच गांव के वरिष्ठ लोगों भी थे, उसके बीच में इंजीनियर साहब से पूछा कि जो शासन का नियम है कि इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट का जो खड़ंजा बनता है उसमें गिट्टी रेती और ये चीज़ लगती है, उन्हें कहा रेती भी सभी ये मटेरियल लगता है, तो सर आप ने देखा तो इसमें क्या चीज़ की कमी है, उन्हें कि रेती नहीं लगी रेती। इसके बाद में वो देख के चले गए। आज हम वापस सीओ मैडम साहब को आवेदन देने आए हैं। जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा और कलेक्टर लोकेश जाटव के पास मानसिंह नकुम ने लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा नेता नारायण सिंह राठौर, जो ग्राम डांसरी के सरपंच पति भी है, ने सड़क का निर्माण करवाया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने 10 दिनों के अंदर जांच पर कार्रवाई करवाने की बात कही है।